यदि किसी तरह का यूरिन इन्फेक्शन होता है तो पेन के साथ साथ बर्निंग की प्रॉब्लम भी होने लगती है, जिसके कारण यूरिन पास करने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आज हम इसी यूटीआई यानी यूरिन इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। यूरिन इन्फेक्शन क्यों होने लगता है, इसके कारण, लक्षण एवं इसको कैसे ट्रीट करें, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों होता है। हमारे शरीर में दो किडनीज होते हैं। इन किडनीज का काम ब्लड को फिल्टर करना या प्यूरीफायर करना होता है। हमारे शरीर में जो बेस्ट मटेरियल होते हैं, यूरिया, क्रिएटिन, पोटेशियम, सोडियम, ये यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। यूरिन जो बेस्ट मटेरियल होते हैं वह यूरिन के द्वारा यूरेटर में आते हैं, यूरेटर से ब्लेडर में आते हैं, ब्लेडर में समथिंग कुछ समय तक रहते हैं। जब तक 600 ml के समथिंग यूरिन इकट्ठी नहीं हो जाती है तब तक हमें महसूस नहीं होता है कि हमें यूरिन पास करना है। और जैसे ही लगभग 600 ml के समथिंग यूरिन इकट्ठी होती तो हमें महसूस होने लगता है कि अब हमें यूरिन पास करना है, और हम यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन को पास कर देते हैं। इसी को हम यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं। यदि इसमें किसी तरह का इंफेक्शन होता है तो इसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन बोलते हैं। ये इंफेक्शन इकोलाई बैक्टीरिया के कारण समथिंग 70% इसी बैक्टीरिया के कारण यूरिन इंफेक्शन होता है। और अदर कुछ जो इंफेक्शन होता है ना, जो दूसरे कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके कारण होता है, या कुछ फंगल इन्फेक्शन के कारण भी यूटीआई इन्फेक्शन होने लगता है। चलिए इसके सिम्टम्स के बारे में और बात करें। तो इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो पेट के नीचले वाले जो हिस्सा होता है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जो पेल्विस होता है ना, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। पेशाब बार बार आने लगती है, और रात के समय तो बहुत ज़्यादा पेशाब आती है और पेशाब बहुत कम मात्रा में निकलती है। यूरिन पास करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, दर्द के साथ बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। वो बर्निंग जब होती है ना, तो जो ड्रॉप करके यूरिन पास होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द और बर्निंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। यूरिन का कलर पीला एवं गाढ़ा हो जाता है, और जो यूरिन होती है ना, उसमें बदबू तो बहुत ही ज़्यादा आने लगती है। यूरिन के साथ साथ कभी कभी ब्लड भी आने लगता है। चलिए इसके कारणों के बारे में और बात कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है इकोलाई बैक्टीरिया। लगभग 70-80% महिला इसी इकोलाई बैक्टीरिया के कारण यूटीआई इन्फेक्शन से ग्रसित होती हैं। यदि आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं तब भी आपको यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेंसेस में यदि आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं तब भी आपको यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप ब्लेडर खाली नहीं करते हैं, मतलब आपको यूरिन पास करना है, यूरिन आ रही है और आप यूरिन पास नहीं कर रहे हैं, उसमें भी आपको यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तब भी आप किडनी स्टोन में आपको यूटीआई इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आपको ब्लेडर में किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन हो गया तब भी आपको यूटीआई होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यदि आप एंटीबायोटिक दवाओं का ज़्यादा यूज़ करते हैं तब भी आपको यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप डायबिटिक पेशेंट हैं तब भी आपको यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तब भी आपको यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंटरकोर्स के समय भी यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि आपके पार्टनर में मेल में या फीमेल में दोनों में किसी में भी अगर यूटीआई इन्फेक्शन है तो दूसरे पार्टनर को यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो गया तो क्या करें। यदि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो आप घबराएं नहीं, आपके जो नज़दीकी डॉक्टर हैं या फैमिली डॉक्टर होते हैं उनको दिखाएं। यदि उनसे ट्रीटमेंट ठीक तरह से नहीं हो पा रहा, आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाएं ताकि आपको सही ट्रीटमेंट एवं सही सुझाव मिल सके। वे जो डॉक्टर होते हैं वो कुछ आपके लिए टेस्ट के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए, या फिर सोनोग्राफी USG जो होती है उसके लिए भी एडवाइस कर सकते हैं ताकि आपको सही ट्रीटमेंट एवं सही सुझाव मिल सके। वैसे भी बिना डॉक्टर की एडवाइस से तो आपको किसी भी तरह के ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।